नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल साकिक टैरो 3। आ गए हम आज एक नई रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या चल रही है, उनके थॉट्स क्या चल रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेके, वो अपने लव के लिए क्या फील कर रहे हैं, ये देखेंगे हम अपने टैरो के थ्रू एंड डिफरेंट डिफरेंट डेक्स से देखेंगे, ओरेकल से भी देखेंगे एंड कुछ मैसेजेस भी देखेंगे उनके। तो गाइज, मैं आपको पहले बता दूँ, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी साइंस के लिए है और टाइमलेस रीडिंग है, क्योंकि गाइडेंस भी होगी इसमें, गॉड गाइडेंस, तो आप सभी के लिए एक बेनिफिट होगा इस रीडिंग के थ्रू। ओके, एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना प्यार दिखा रहे हो, ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही है। एंड मैं काफ़ी खुश हूँ, काफ़ी लोगों को उनका पार्टनर मिल रहे हैं, काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स में बता रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स कि आप मेरे चैनल के थ्रू लोगों को हील कर रहे हो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, थैंक यू सो मच। एंड चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, और ये सभी जेंडर्स के लिए रीडिंग है, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। कार्ड्स को शफल करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या निकल के आता है। करंट फीलिंग आपके पार्टनर की क्या है, उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या सोच रहे हैं वो, या वो क्या सोच रही हैं आपके लिए। सो डेफिनेटली हम देखेंगे अपने कार्ड्स के थ्रू। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाओ, जस्टिस, लेब्रा, ओके, नाइट ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ सोर्ड एंड फोर ऑफ कप्स। सो जेमिनी लेब्रा एक्वेरियस एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, गॉड आ गए हैं हमारी रीडिंग में पहले ही, जस्टिस आ गया है हमारे पास। सो गाइस, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको जस्टिस मिलेगा, गॉड जस्टिस देंगे आपको, अब आपको जस्टिस मिलने वाला है, बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई। ओके, द मजिशियन, जेमिनाई, टॉरस, वीगो, कैप्रिकॉर्न, एयर ऑफ पेंटिकल्स एंड जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सेवन ऑफ सोर्ड्स, एयर ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, फायर साइन, एयर साइन एंड वाटर साइन एंड अर्थ साइन भी हमारे पास। ओके, कार्ड और आ गया गाइस, क्वीन ऑफ सूट्स, डिवाइन फेमिनिन, हमें बस एक कार्ड की जरूरत है तो मैं एक ही पिक करूंगा। ओके, लियो, स्ट्रेंथ एंड द एम्प्रेस, वाओ, सो अगर मैं इस रीडिंग को देखो तो डेफिनेटली गॉड हमारी रीडिंग में आ गए हैं, जस्टिस लिब्रा हमारे पास है, तो डेफिनेटली गॉड आपको जस्टिस दे रहे हैं, गॉड अब आपके लिए जस्टिस चाहते हैं, क्योंकि गॉड सबसे पहले आ गए हैं, जस्टिस आया है हमारे पास पहला कार्ड, तो डेफिनेटली गॉड ऐसा जस्टिस करेंगे आपके लाइफ में, बिकॉज आपके पर्सन से आपको जो भी कर्मा मिला, जो भी आपने प्रॉब्लम्स फेस की, अब आपके पर्सन की बारी है वो कर्मा फेस करने की। अब वो ही हो सकते हैं, शी हो सकते हैं, मे बी सेम जेंडर भी हो सकते हैं, तो डेफिनेटली ये रीडिंग सभी के लिए है, तो आप इसको बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग मत समझना। ओके, सो डेफिनेटली मुझे यहाँ से क्लियरली फील हो रहा है कि यस, अब आपको जस्टिस मिलेगा, गॉड आ गए हैं, गॉड आपको जस्टिस देंगे। आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है, अब वो आपके टूवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा मतलब बढ़ रही हैं, वो बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास मैजिशियन आया, बट यस अभी मुझे वहाँ से वो प्लेयर भी गेट हो रहे हैं, कि वो प्लेयर प्लेयर हैं या फिर प्लेयर थे, बिकॉज हमारे पास दो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी आई हैं, लाइक एम्प्रेस एंड द क्वीन ऑफ सोर्ड एंड द मजिशियन, तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं या थे, बट येस डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत जल्द जाने वाली है। और अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ से ये वाइब भी गेट हो रही है कि येस आपकी जो पर्सनैलिटी है बहुत ही नर्चरिंग पर्सनैलिटी है, बहुत ही केयरिंग पर्सनैलिटी है, और आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मे बी ये बॉय, अगर बॉयज़ देख रहे हैं तो उनके अंदर फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, डेफिनेटली मुझे यहाँ से ये वाइब गेट हो रही है। और डेफिनेटली आपके जो पर्सन है वो प्लेयर है, उनके अभी दो जगह पर रिलेशनशिप मुझे यहाँ से दिख रहा है कि वो दो जगह पर बैलेंसिंग नहीं कर पा रहे हैं, और वो इन एंड आउट हो रहे हैं, इन एंड आउट का कार्ड भी हमारे पास आया, तो अभी उनकी करंट फीलिंग्स में अगर मैं देखूँ तो वो इन एंड आउट में चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो किस तरफ जाएँ, तो वो डेफिनेटली अभी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बट यस वो आपकी तरफ बहुत ही, अब अगर जो ये जो सिचुएशन चल रही है ना, ये मैजिशियन वाली, द मजिशियन जो प्लेयर सिचुएशन मैं बता रहा हूँ, उसके लिए ही ये इन दोनों सिचुएशन से आपको बाहर निकालने के लिए ही यहाँ पर जस्टिस आया है। अब मुझे यहाँ से थोड़ी क्लैरिटी मिल रही है कि यस जस्टिस हमारे पास इसलिए आया, बिकॉज जब तक अब तक आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट की, बहुत धोखे दिए आपको, आपसे आपके लाइफ से इन एंड आउट होते रहे, आपसे सीक्रेट्स रखे बहुत ज़्यादा,
बातें छुपाई, बातें आपको सारी नहीं बताई, तो डेफिनेटली यहाँ से बातें छुपाई, इन एंड आउट हो रहे हैं, आपकी वैल्यू को नहीं समझा, थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन में चले गए एंड प्लेयर थे ये, तो डेफिनेटली इसीलिए यहाँ पर जस्टिस आया, बिकॉज ये सारी सिचुएशन ख़त्म हो जाएंगी जस्टिस के थ्रू, क्योंकि जस्टिस कार्ड जो है हमारा बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, और इस यहाँ से मुझे गॉड की एनर्जी गेट हो रही है कि यस गॉड अब आपकी लाइफ में वर्क कर रहे हैं और गॉड आपके साथ दे रहे हैं। तो जब डेफिनेटली अभी उनकी करंट फीलिंग ये हो चुकी है कि वो बहुत ज़्यादा गॉड पर मैनिफेस्ट करने लगे हैं, अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज अब उनकी प्लेयर वाली सिचुएशन ना खत्म होने वाली है और वो अपनी स्ट्रेंथ को अब बरकरार रख रहे हैं, बिकॉज उनकी तरफ नई चीज़ें आ रही हैं पर अभी भी वो पीछे ही पीछे की चीज़ों पर ही हैं, स्टिक हैं, मतलब आप पर ही स्टिक हैं, अपने पास्ट पर ही स्टिक हैं, अपने फ्यूचर की तरफ वो बहुत ही देखते हैं बट अभी उस उतनी खुशी से नहीं देख रहे हैं, बिकॉज वो चाहते हैं कि वो वापस आपकी तरफ आए एंड देन आप दोनों का रियूनियन हो एंड वो फिर अपने फ्यूचर की तरफ देखें। यहाँ से मुझे ये एनर्जी गेट हो रही है उनकी और ये वाइब गेट हो रही है, तो डेफिनेटली वो आपकी टुवर्ड्स एक्शन बहुत जल्द लेने वाले हैं, बिकॉज नायर ऑफ सोर्ड्स अब उन्हें समझ में आ गया है एंड पेज ऑफ सोर्ड्स भी आया हमारे पास, तो डेफिनेटली आपके लिए वो बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से, एंड इवन मुझे यहाँ से लग रहा है कि कॉल्स के थ्रू या फिर आपके व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू या व्हाट्सएप इमेजेस के थ्रू आपको वो बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, स्टॉकिंग चल रही है, कम्युनिकेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आपसे कम्युनिकेशन बढ़े, यस एंड वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग तो हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत अच्छे से अपने लव के लिए, अपने करियर के लिए, अपनी फीलिंग्स के लिए, तो डेफिनेटली मैं उनकी फीलिंग्स तो बहुत ही इजीली गेट कर पा रहा हूँ कि यस थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो है बट वो अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रखे हुए हैं आपके पास आने के लिए, बिकॉज हमारे पास जस्टिस आया तो डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी जाएगी, गॉड आपको जस्टिस देंगे एंड डेफिनेटली ये सारी सिचुएशंस खत्म हो जाएंगे और जो भी ऑब्स्टिकल लाइक थर्ड पार्टी ऑब्स्टिकल या फिर फैमिली जो ऑब्स्टिकल बनी हुई है वो सब कुछ को हटाएंगे, बिकॉज उनकी स्ट्रेंथ लियो वो बना रहे हैं बहुत अच्छे से। एंड डेफिनेटली मैं अगर इस कार्ड को देखूँ सेवन ऑफ वैंड्स को तो मुझे यहाँ से भी वाइब गेट हो रही है कि यस डेफिनेटली आपके इस लव लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो बहुत जल्द खत्म होने वाले हैं, बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ से ये सारे ऑब्स्टिकल्स हट जाएंगे और आप अपने रियल सेल्फ के साथ, अपने रियल पर्सनालिटी के साथ आगे बढ़ोगे। ओके सो अगर बात करूँ मैं नाइट ऑफ सोर्ड्स की, तो एक इतना फास्ट पेस्ड एक्शन होगा आपकी लाइफ में कि आप खुद सोच नहीं पाओगे कि एकदम से ये क्या हो गया, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ में जब आ जाएंगे तो आपको वो सब वो हर चीज़ खूबसूरत लगने लगेगी जिसके लिए अभी आप बहुत परेशान हो, तो डेफिनेटली आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गॉड है हमारे साथ, जस्टिस है हमारे पास, तो जस्टिस हमारे को फेयरनेस देगा, ट्रूथ देगा, और जो भी कॉज है और जिस भी कॉज से आपको इफेक्ट हुआ है उसके लिए जस्टिस आपको लॉफुली वो देगा, मतलब आई मीन टू से जस्टिस देगा, लॉफुली जस्टिस होगा, एक ऐसा जस्टिस होगा जो बिल्कुल अनबायस जस्टिस होगा और आपके पार्टनर को भी समझ में आ जाएगा कि यस मैंने गलती की थी अभी, और उनको समझ में भी आ रहा है बिकॉज वो आपके टुवर्ड्स एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड्स आया और देख सकते हैं आप नाइट ऑफ सोर्ड्स का भाव इस तरफ है, एम्प्रेस की तरफ है ना कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरफ है, तो डेफिनेटली वो अपने पर्सन की तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं, अब वो थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं, थर्ड पार्टी से बाहर आना चाहते हैं। ओके सो आप देख सकते हो कि इस रीडिंग से मुझे क्लियरली वाइब गेट हो रही है कि यस उनकी फीलिंग्स आपकी टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और हम चले हम देख लेते हैं अपने दूसरे डेक से कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, और भी जानने की कोशिश करते हैं उनके लिए, तो चलिए देखते हैं क्या सोचते हैं वो आपके लिए। ओके कार्ड आ गया मेरे पास लाइट, डेफिनेटली उनको अब गॉड की जो एक एनर्जी है, एक जो लाइट है उन्हें फील होती है आपके लिए, उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा, ये जो लाइट है वो उनको आपकी ग्रेस दिखाती है, आपकी पॉजिटिविटी दिखाती है, आपकी टुवर्ड्स उनको अट्रैक्ट करती है ये लाइट, तो जो लाइट वो आपके साथ फील करते थे वो उन्हें थर्ड पार्टी के साथ फील ही नहीं आ रही है, फील ही नहीं हो रही है, तो इस वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है आपकी इस वक्त में, और वो आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा लाइट जो एक पावर है आपकी, जो एक आपसे अट्रैक्शन था उनको, वो फील कर रहे हैं। चलिए और देखते हैं, ट्रुथ डेफिनेटली वो अब आपको हर एक सच्चाई बताएंगे, आपसे कुछ नहीं छुपाएंगे, अपने हर फीलिंग्स को बहुत ही इजीली आपके आगे रख देंगे, नंबर 20 ट्रुथ, आपके सामने हर एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से वो बताएंगे और डेफिनेटली आपको भी हर एक चीज़ ट्रुथफुल होकर उनसे बात करनी है, या कर अगर आपके पर्सन कोई भी हो सकते हैं, गर्ल या बॉय, तो अब मैं उसके हिसाब से ही रीडिंग कर रहा हूँ, आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा क्योंकि काफ़ी लोग मुझे कमेंट करके बोलते हैं तो इसलिए मैं ये बात बार बार बोल रहा हूँ, बट यस बहुत ही ट्रूथफुल रहना होगा आपको अपने पर्सन के साथ, ट्रूथ के बेसिस पर ही आपके लाइफ में आगे चीज़ें आएंगी, एंड ये हमारे पास आया टेम्पटेशन, तो डेफिनेटली टेम्पटेशन से मुझे वाइब गेट हो रही है,
आपको लोभ को अपने अंदर से निकालना होगा, अपने आपकी जो डिज़ायर है टू डू समथिंग स्पेशली समथिंग रॉन्ग एंड अनवाइज, वो जो आपकी एक डिज़ायर थी जो आपने गलती की है, टेम्पटेशन आई मीन टू से, मैं ये कहना चाहता हूँ कि टेम्पटेशन के थ्रू मुझे ये फील हो रहा है कि आपने जो भी गलतियाँ की है अब आप उन सबको और जो भी आपके लोभ हैं लालच है उन सबको दूर हटाओ, एंड डेफिनेटली आपको एक नई लाइफ स्टार्ट करनी होगी, एक अच्छे से नया मतलब पाथ चुनना होगा, बिकॉज आप अपनी लाइफ में आपके पर्सन ने आपने जो भी गलतियाँ की हैं उनकी फीलिंग्स को अगर मैं यहाँ से देखूँ तो टेम्पटेशन से मुझे क्लियरली वाइब गेट हो रही है कि यस अभी वो जो भी करना चाहते थे जैसा भी उनके अंदर चल रहा था अब वो सब कुछ नहीं हो, अब वो प्रलोभ और लोभ उनके दिमाग से निकल जाएगा, उनके दिल से निकल जाएगा, बिकॉज जस्टिस ने हमें जस्टिस देना है, जस्टिस आया है हमारे पास, तो डेफिनेटली गॉड हमें बता रहे हैं कि जो भी लोभ लालच उनके दिमाग में चल रहा है वो सब निकल जाएगा। एंड अवेयरनेस, डेफिनेटली आपको अवेयर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने माइंड का ऑरा जनरेट करने की ज़रूरत है, एक अवेयरनेस रखो अपने पर्सन के बारे में, अपने बारे में, अपने पर्सन की जानकारी रखो, और वो भी अवेयर है आपकी हर एक चीज़ से, आपके बारे में हर एक थॉट से आपके अवेयर होना चाहते हैं वो, तो डेफिनेटली उनकी फीलिंग्स इस टाइम ये चल रही है कि वो आपके लिए बहुत अवेयरनेस इकट्ठी कर रहे हैं, जगह जगह से आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ पेज ऑफ सोर्ड से, तो अवेयरनेस उनके लिए इसीलिए आया ताकि वो अवेयर रहे हर चीज़ से। अथॉरिटी, डेफिनेटली फीलिंग्स में उनके अगर मैं देखूं यहाँ पर और उनके एक्शन देखूं उनके वर्क के लिए, तो वो अथॉरिटी पोजीशन चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अथॉरिटी चाहते हैं, एंड डेफिनेटली पैशन इग्नाइटेड, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पैशनेट है अपने वर्क के लिए, बहुत ज़्यादा पैशन इग्नाइटेड है, और अथॉरिटी चाहते हैं वो अपने करियर में, अपने लव लाइफ में भी अथॉरिटी चाहते हैं एंड करियर में भी अथॉरिटी चाहते हैं, तो डेफिनेटली चलिए हम एनर्जी देख लेते हैं, उनकी एनर्जी क्या बनी हुई है, एनर्जी और एक्ल से देखते हैं, एनर्जी और देख लेते हैं एक बार, दो कार्ड आ गए हमारे पास, डू टू वैल्यू, यस डेफिनेटली उनको वैल्यू करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हर एक चीज़ को, अपनी फीलिंग्स को, अपने लव को, अपनी वर्थ को, अपने मनी को, अपने पेरेंट्स को, अपनी लाइफ को, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, डू टू वैल्यू ओपन होगा उनका और उन्हें हर चीज़ की वैल्यू करने की ज़रूरत है, बिकॉज अभी तक वो किसी चीज़ की वैल्यू नहीं कर रहे थे, बिकॉज जो जस्टिस आया है हमारे पास, जस्टिस उनको हर एक चीज़ की वैल्यू दिखाएगा और सिखाएगा, एंड जर्नी, उनकी जर्नी बहुत खूबसूरत है और उनकी जर्नी आप ही के साथ है, डेफिनेटली यहाँ से मुझे ये वैक्ट हो रही है कि उनकी जर्नी आपके साथ है, एंड डेफिनेटली आप दोनों एक जर्नी के थ्रू ही दोबारा मिल जाओगे अगर आप दोनों सेपरेशन में हो तो, और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए तो बहुत ही खूबसूरत है ये रीडिंग, एंड डेफिनेटली जो जिन जिनके बीच में सेपरेशन हो गया या फिर जो लोग एक दूसरे से अभी मिल रहे नहीं है या फिर बातचीत नहीं हो पा रही है, ये रीडिंग सभी के लिए है। ओके सो हमारा जो थर्ड कार्ड है वो है वॉकिंग अवे, तो डेफिनेटली यहाँ से जो भी आपके आसपास नेगेटिविटी थी और फिर जो भी थर्ड पार्टी थी एंड ऑल, सब आपकी लाइफ से अब दूर हो जाएगी और इन सब चीज़ों से अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, एंड थर्ड पार्टी का निकलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ वॉकिंग अवे, वॉकिंग अवे आया है कि वो दूर जाना है, उनको आपके साथ दूर जाना है, थर्ड पार्टी के साथ दूर नहीं जाना है, तो वो चाहते हैं कि आप और वो एक साथ बहुत दूर जाएँ, एक घर बनाए, खूबसूरत सा एक अपनी लाइफ को जिए, तो उनकी करंट फीलिंग्स इस टाइम बहुत ही स्ट्रांग चल रही हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, चलिए देखते हैं और क्या निकल के आता है उनकी फीलिंग्स का, करंट फीलिंग्स देखते हैं उनके और क्या निकलता है, उनकी एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग चल रही है आपके लिए एंड करंट फीलिंग तो है ही बहुत स्ट्रांग, ओके स्पिरिचुअल मेच्योरिटी, डेफिनेटली आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने की जरूरत है, अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने की जरूरत है और अपने अंदर मेच्योरिटी लाने की जरूरत है, आपके पर्सन स्पिरिचुअली मेच्योर नहीं है, प्रैक्टिकली मेच्योर लोग बहुत ज़्यादा है बट उन्हें स्पिरिचुअली मेच्योर होने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, एंड डिस्ट्रॉल एंड मेस्कुलिन, डेफिनेटली उनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में पैसा नहीं है और करियर में कुछ भी नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है हर चीज़ के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा, उनकी जो एक डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी थी वो डिस्ट्रॉयड मैस्कुलिन एनर्जी में कन्वर्ट होती जा रही है, क्योंकि उनको बहुत सारा ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, लव लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में सब कुछ बेकार चल रहा है जबकि ऐसा नहीं है, पर यस जस्टिस के बेसिस पर ही, जस्टिस जो कार्ड है हमारे पास उसके बेसिस पर अगर मैं इस रीडिंग को देखूँ, बिकॉज स्टार्टिंग से ही हमारे साथ गॉड चल रहे हैं इस रीडिंग में, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ से दिख रहा है कि यस गॉड इनको जस्टिस देंगे, इनकी लाइफ में हर एक चीज़ अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अभी इन्हें अपनी स्पिरिचुअल मेच्योरिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है, मे बी ये थोड़ा कम सरेंडर कर रखा है इन्होंने गॉड में, इन्हें गॉड में सरेंडर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इंटीमेसी, अगर ये गॉड में सरेंडर करते तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा और आप दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होगे, आप दोनों एक दूसरे के साथ रीयूनियन में आओगे, तो डेफिनेटली इंटीमेसी तो बनेगी ही बनेगी, ओके, एंड द डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन बहुत ही स्पिरिचुअल है, बहुत ही
एक अच्छी एनर्जी में, एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में है, जो कि इनके अवेयरनेस और इनको आगे बढ़ाने में बहुत मदद करती है इनकी एनर्जी। डेफिनेटली डिवाइन फेमिनिन बहुत ही खूबसूरत एनर्जी में चल रही है। सो चलिए देखते हैं अब क्या आता है और निकल के आपके पर्सन की फीलिंग्स। वो आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, देखें आप, इंटीमेसी कार्ड इसीलिए आया है। डिजायर्स तो बहुत है उनकी। डिस्कवरी, यस डेफिनेटली उनको डिस्कवर करना है अपने आप को, अपने रियल सेल्फ को। अपने आप को डिस्कवर भी कर रहे हैं इस टाइम। उनकी करंट फीलिंग्स में वो बहुत ज़्यादा अपने आप को डिस्कवर करने में लगे हुए हैं कि क्या है उनका रियल ट्रुथ। एंड दो कार्ड और आ गए हमारे पास। यस, उनको बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड ये जो हमारे पास कार्ड आया है, इसको मैं अगर देख के बताऊँ, मिस्टिसिज्म, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि रहस्यवादी हैं बहुत ज़्यादा। इन्होंने अपने राज छुपाए हुए हैं आपसे और अभी अपनी फीलिंग्स को बता नहीं रहे हैं। अपनी फीलिंग्स को बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको अपनी फीलिंग्स को आपसे शेयर करें, अपने बारे में बताएं। और डेफिनेटली इन्होंने अपने बहुत ही ज़्यादा ना सेल्फ डिल्यूजन और ड्रीमी कन्फ्यूजन ऑफ थाट में हैं ये। एंड बहुत ज़्यादा ड्रीम करते हैं और बहुत ज़्यादा सेल्फ कन्फ्यूजन है इनको, और ये सोचते हैं कि क्या मैं एक्शन लूँ या ना लूँ। बट यस, इन्हें एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पर। और डेफिनेटली ये कार्ड्स भी यही बता रहे हैं कि यस, इनको एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक्शन लेंगे भी, और ये क्योंकि हमारे पास आए हैं एक्शन के कार्ड, नाइन ऑफ सोर्ड आया है हमारे पास। तो चलिए हम अपने थोड़े से लव मैसेजेस देख लेते हैं कि क्या चल रहे हैं इनकी फीलिंग आपके लिए। अपने लव मैसेजेस से देखते हैं। होल्डिंग योर हैंड इज द मोस्ट ऑसम फीलिंग इन द वर्ल्ड। आपका हाथ पकड़ना उन्हें सबसे खूबसूरत लगता है इस वर्ल्ड में। माई प्लेस इज इन साइड योर हग। उनका जो पसंदीदार प्लेस है वह आपके हग के अंदर है। यू आर माइन एंड आई विल ऑलवेज बी योर्स, टुडे टुमारो एंड फॉर एवर। आप उनके हो और वो आपके हैं हमेशा, आज कल और हमेशा। ओके सो चलिए कुछ फीलिंग्स तो हमने देख लिया, उनकी मैसेजेस देखते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। यू एंड आई हैव सो मच इन कॉमन। आप में और उनमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, डेफिनेटली। तभी तो आप दोनों का रिश्ता इतना गहरा है, तभी तो आप एक दूसरे का वेट कर रहे हो अभी भी। यू आर माई होम, आप उनके घर हो, और डेफिनेटली आपके बिना उनका घर अधूरा है। तो वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ। लास्ट वन, यू लव मी द वे नोबडी एल्स डज। आप उन्हें ऐसे प्यार करते हो जैसे कोई और नहीं करता है। सो गाइज, मैं आपके लिए थोड़े से और मैसेजेस देख लेता हूँ, थोड़े से और फीलिंग्स देख लेता हूँ उनकी, क्या चल रही है उनकी फीलिंग एंड मैसेज आपके लिए, वो क्या फील कर रहे हैं। चलिए अपने दूसरे डेक से भी देखते हैं। कुछ मैसेजेस आ गए हैं, नहीं पिक कर लेते हैं बस। यू पुट अप विद मी विद माय मूडीनेस एंड ऑल अदर इम्परफेक्शंस। आप उनके मूड को और उनके इम्परफेक्शंस को भी बहुत अच्छे से पूरा रखते हैं, और बहुत ही अच्छे से उनको उनको ऐसा फील नहीं होने देते हैं कि उनमें कुछ इम्परफेक्शन है या फिर वो बहुत ज़्यादा मूडी है। आई लव टचिंग यू ऑल ओवर, डेफिनेटली वो आपको हर जगह पर टच करना बहुत पसंद करते हैं। यू गिव अमेजिंग हग्स, आप बहुत अमेजिंग हग्स देते हैं उन्हें। ये आपके लिए वो सोच रहे हैं ऐसा, तो डेफिनेटली बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है ये गाइस। अब चलिए हम हमारा आखिरी, हमारे भगवान जी, हमारी गॉड गाइडेंस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं गॉड गाइडेंस क्या आती है आपके लिए निकल के, क्या गॉड गाइडेंस देना चाह रहे हैं आपको, देख लेते हैं एक बार। चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस आती है गॉड की निकल के। ओके गॉड प्लीज गिव अस समथिंग। ओके
प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, समृद्धि आपके चरणों में, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी आपके पास बहुत आने वाली है, लक्ष्मी आपके दरवाजे पर हैं, बस तो आपको अपने लिए वर्क करते रहना है, ये आप दोनों की ही है गाइडेंस। ओके ओके गाइस, कुछ कार्ड्स आ गए हैं। यस, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ एंड बैलेंस इज स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, जो कि आपका बैलेंस का कार्ड पहले ही आ चुका है, जो कि आपको दिख भी रहा होगा बैलेंस। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ये समय है नेगेटिविटी अपने अंदर से निकालने का। वर्क थ्रू योर फियर्स, अपने डरों से काम करो, अपने डरों पर वर्क करो, बहुत ज़्यादा जरूरत है आपको। सो गाइज, ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। देख लीजिए कितनी खूबसूरत फीलिंग चल रही है उनकी और कितनी जल्दी वो आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं। तो डेफिनेटली जो भी नंबर आपको इंट्यूटिवली अट्रैक्ट करता है वही होगा आपके पार्टनर के आने का टाइम। और डेफिनेटली अगर मैं अपना बताऊँ, अगर मेरे को जो नंबर इंट्यूटिवली अट्रैक्ट करा है यहाँ पे, तो डेफिनेटली अगर मैं इस कार्ड को देखूं अपने जस्टिस को, तो इट्स 11 नंबर। सो मेरे हिसाब से 11 मंथ्स भी हो सकते हैं, 11 वीक्स भी हो सकते हैं, 11 डेज भी हो सकते हैं। सो ये डिपेंड करता है आप। अब ये मेरा इंट्यूशन मुझे 11 नंबर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करा है, कुछ लोगों को डिफरेंट नंबर अट्रैक्ट हो रहा होगा। सो डेफिनेटली, सो थैंक यू सो मच मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए। एंड होप कर आशा करता हूँ मैं आपके पर्सन आपको जल्द से जल्द मिले, मैं आपके लिए प्रेयर करूँगा। ओके, एंड हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तो प्लीज़ गाइज, आपको बस एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि वीडियो रेजोनेट हुई है या नहीं हुई। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय बाय।